हेलो मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं टीना एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल व्रत त्यौहार और कथाएं में। नए साल के पहले पूर्णिमा पर बन रहा है अत्यंत दुर्लभ संयोग। जरूर करें ये जो कार्य मैं बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, ये कार्य आपको ज़रूर से करने चाहिए। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पौष पूर्णिमा 2023 का शुभ मुहूर्त क्या है मित्रों, और इस पूर्णिमा पर क्या शुभ योग बन रहे हैं इस बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में, और पौष पूर्णिमा की पूजा की क्या विधि है ये भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नए साल के पहले मास में पौष मास का समापन हो जाएगा, ऐसे में नए साल के प्रारंभ में पौष पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के पूर्णिमा तिथि के दिन पौष पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत नए साल में 6 जनवरी 2023 के दिन रखा जाएगा। इस दिन चंद्रदेव की उपासना के साथ लक्ष्मी नारायण भगवान की उपासना का भी विधान है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से सभी कष्ट एवं दुख दूर हो जाते हैं, साथ ही भक्तों को यश वैभव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पौष पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने से व्यक्ति को सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मित्रों कि पौष पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, शुभ योग एवं पूजा विधि क्या है। पौष पूर्णिमा 2023 का शुभ मुहूर्त है मित्रों। ज्योतिष पंचांग के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 6 जनवरी प्रातः 2:14 पर हो रहा है। इस तिथि का समापन 7 जनवरी को सुबह 4:37 पर होगा। चंद्रोदय तिथि के अनुसार यह व्रत 6 जनवरी 2023 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:33 से दोपहर 12:15 पर होगा। इस दिन चंद्रदेव की पूजा का भी विधान है, इसीलिए पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय शाम 4:32 पर होगा। पौष पूर्णिमा 2023 में क्या शुभ योग बन रहे हैं मित्रों, ये अब हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। 6 जनवरी अर्थात पौष पूर्णिमा के दिन 3 अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इस दिन पूजा पाठ करने से भक्तों को भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन ब्रह्मा, इंद्र और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। मान्यता है कि इस योग में पूजा पाठ का 2 गुना फल प्राप्त होता है। इंद्र योग 6 जनवरी 2023 सुबह 8:11 से 7 जनवरी 2023 सुबह 8:55 तक इंद्र योग रहेगा। ब्रह्म योग का मुहूर्त है मित्रों 5 जनवरी 2023 सुबह 7:34 से 6 जनवरी 2023 सुबह 8:11 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग का मुहूर्त है मित्रों सुबह 12:14 से 7 दिसंबर सुबह 6:38 तक रहेगा। आइए मित्रों आगे जानते हैं कि पौष पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है। मित्रों पौष पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करें, इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को गंध, पुष्प, धूप, दीप, पंचामृत, फल एवं मिठाई अर्पित करें।
फिर भगवान सत्यनारायण की कथा का विधिवत पाठ करें। संध्या काल में चंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कच्चे दूध में चीनी व चावल मिलाकर अर्पित करें और रात्रि में माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस प्रकार से मित्रों, मैंने पूर्णिमा पर क्या अत्यंत दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और उसके लिए हमें कौन सा ऐसा ज़रूरी कार्य है जो करना चाहिए, वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। और इस पूर्णिमा के दिन का क्या शुभ योग है, क्या शुभ मुहूर्त है और इसकी पूजा की विधि मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर करें एंड बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे मित्रों।